गज के श्रीराज योग बना इन राशियों पर 200 वर्षों बाद बना ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग। दोस्तों 10 जुलाई सावन के पहले सोमवार से लेकर 8वें सोमवार 31 अगस्त तक इन राशियों की मौज होगी। आपको बता दूं सावन के पहले सोमवार पर बनेगा गज के श्री राजयोग। आइए जानते हैं, दरअसल इस दिन जो है आज गुरु और चंद्रमा मीन राशि में एक साथ विराजमान हो चुके हैं, इसी कारण गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है जब गुरु चंद्रमा एक साथ होते हैं। आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार से गज केसरी योग बनने से किन राशियों को लाभान्वित करेंगे महादेव। तो पहली भाग्यशाली राशि है दोस्तों मेष राशि। सावन का महीना मेष राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। विदेश जाने का मौका मिलेगा, शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल की बात करें तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, बिजनेस में मुनाफा होगा, नौकरी पेशा वालों की नौकरी में पदोन्नति होगी, व्यापार बढ़ेगा। साथ ही मिथुन राशि की बात करें तो सावन का महीना बेहद लाभकारी रहेगा। भोलेनाथ की कृपा से खुशियों का आगमन आपके घर में हो चुका है, अटका हुआ धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सिंह राशि, सावन का महीना सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। नौकरी में तरक्की मिल सकती है, बिजनेस में लाभ होगा, आय में वृद्धि हो सकती है और महादेव की असीम कृपा 31 अगस्त तक यानी। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपको 59 दिन शुभ रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होकर आपको उच्च पद मिलेंगे, पदोन्नति होगी, आपका भाग्य उदय होगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए सावन का महीना खुशियों भरा रहने वाला है। करियर में तरक्की के अवसर बनेंगे, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। दोस्तों ये थी वे भाग्यशाली राशियां जिनको लाभान्वित होना है 8 सोमवार तक। तो सोमवार को, हर सोमवार को जलाभिषेक कीजिए, महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए, उनकी पूरा पूजा अर्चना कीजिए।